जय श्री सुरेश सिंघाई मालेगांव से अपनी शंका रख रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में तीर्थंकर भगवान के पाद मूल से क्या आशा है तीर्थंकर प्रगति का जो बंध है उसके लिए श्रुत केवली केवली या तीर्थंकर का पादमूल मतलब उनके चरण कमल उनका सानिध्य जब हम साक्षात तीर्थंकरों के सानिध्य में बैठते हैं या केबली के शुद्ध केबली के तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है तो किसी जीव की दर्शन विशुद्धि जो बढ़ी है उसके साथ साथ सोलर भावना में कोई भी विशुद्धि बढ़ती है तो उससे वह तीर्थंकर प्रगति का जो है बंध बांध लेता है और ऐसा भी देखा गया है कि तीर्थंकर को तो जिन्होंने दर्शन कर लिया है अब जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर प्रगति का बंद बनते समय तीर्थंकर का पाद मूल हो लेकिन उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का तीर्थंकर प्रगति भगवान का दर्शन कर लिया है तो दर्शन करने मात्र से वह किसी भी स्वर्ण का भावना का भाव भाते हैं तो उनको तीर्थंकर आदि का बंध बंध जाता है तो इस प्रकार से जो विशुद्धि परिणाम है वो महापुरुषों के सानिध्य में आकर ही हो पाती है आपने चौका लगाया और छुल्लक जी आ गए मुनि आ गए आचार आ गए और साक्षात तीर्थंकर मुनिराज जी आ गए तो कितनी विशुद्धि आपकी बढ़ेगी आप सोच सकते हैं तो इस प्रकार से तीर्थंकरों केवली के शुद्ध केवली के, शुद के पादमूल में जाने से विशुद्धि बहुत बढ़ती है और वहाँ पर हमें तीर्थंकर प्रगति का आश्रय भी संभव हो सकता है नवोस्तु आचार्य श्री अजिंक्या जैन कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं यक्ष और यक्षिणी की आराधना करनी चाहिए या नहीं हम जय जिनेन्द्र करते हैं तो क्या यह सही है सम्यक दृष्टि जो यक्ष और यक्षणियाँ हैं भगवान की सेविका सेवक धर्म की प्रभावना करने वाले ऐसे शास्त्रों में उनका नाम मिलता है तिलोक प्रणति और तिलोक आदि ग्रंथों में और पुराण ग्रंथों में भी यक्ष यक्षणियों के जो हैं नाम मिलते हैं और वो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं तो सम्यक दृष्टि का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा आप सम्मान कर सकते हैं यथायोग पंच कल्याणक बड़े बड़े प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में देखा जाता है कि जब पंचणक आदि होता है तो सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं तो उनके लिए वहाँ पर अर्घ आदि समर्पित करते हैं तो वो ग्रहण ग्रहण करके करते हैं निर्वपामती करके नहीं करते हैं आप यह अर्घ स्वीकार करें पंच में आकर के यहाँ पर उत्सव महोत्सव में सानिध्य हो दें और यह कार्यक्रम प्रोग्राम सानिद संपन्न हो ऐसी मंगल भावना भाते हैं यदि आप जय जयनंद करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जो है उनसे साधर्मी से जय जयनंद कर सकते हैं हाँ बीतराग भगवान जैसे उनकी पूजा नहीं होती है आप उनके अथायोग जो सम्मान के व्यवस्था है उनको ग्रहण करके आप समर्पित कर सकते हैं नवोस्तु आचार्य श्री संकिति जैन दुर्ग छत्तसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नय अनुचरित सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय हमें एक जैसे लगते हैं इनमें क्या भेद है कृपया समाधान करें सद्भूत सद्भूत का अर्थ होता है जो उसकी सत्ता का ही हो एक ही द्रव्य में उसकी व्यवस्था हो उसको सद्भूत कहते हैं लेकिन फिर भी व्यवहार नए से भेद किया जाता है उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए ऐसे दो भेद करते हैं आत्मा में जो से ज्ञान गुण हैं तो अपन के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान इस प्रकार से जब अपन ज्ञान बोलते हैं तो ये कहलाता है उपचरित सद्बुध व्यवहार नहीं यह जो ज्ञान है यह स्वाभाविक ज्ञान नहीं है कर्म के छह उपसम आदि से प्रकट हुआ है इसलिए अपन इसको सद्भुत क्योंकि आत्मा का है लेकिन स्वाभाविक नहीं है कर्म कर्मजन्य है इसलिए विभाव है तो इसको अपन उपचरित सद्बुत व्यवहार नहीं कहेंगे और आत्मा का जो केवल ज्ञान स्वभाव है केवल ज्ञान जो पर्याय है वो शुद्ध पर्याय है इसलिए उसको अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहेंगे क्योंकि अभेद में भेद करके कथन कर रहे हैं तो इसलिए वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने केवल ज्ञान की पर्याय कहलाएगी अशुद्ध निश्चय ने जो कहते हैं शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने व्यवहारिक जितनी भी पर्याय हैं उसे अशुद्ध निश्चय ने कहते हैं जैसे क्रोध मान माया लोभ आत्मा के हैं ऐसा कहना यह कैसा है अशुद्ध निश्चय नहीं है और आत्मा के केवल ज्ञान आदि जो है सुख आदि पर्याय अनंत शक्ति आदि पर्याय जो है वह ऐसा कहना यह शुद्ध निश्चय नहीं है हैं। इतना इसमें अंतर मानना नवोस्तु आचार्य श्री माणिक चंद्र जैन चेन्नई से अपनी शंका रख रहे हैं कि बिना वाह चारित्र के कोई अंतरंग चारित्र पा सकता है क्या बहिरंग चारित्र और अंतरंग चारित्र दो प्रकार का चारित्र होता है जो सबको दिखने में आता है वो बहिरंग चारित्र कहलाता है और जो स्वयं को दिखने में आता है उसे अंतरंग चारित्र कहते हैं इस प्रकार से अंतरंग चारित्र बिना बहिरंग चारित्र की मोक्ष मार्ग में कोई भी कीमत नहीं है जब तक अंतरंग चारित्र ना हो बहिरंग चारित्र से आप जो है पुण्य आदि तो कमा सकते हैं काय संबंधी वचन संबंधी लेकिन अंतरंग में यदि भाव ना हो यदि आपका वस्तु स्वरूप का निर्णय सही ना हो और आप बाहर अहिंसा आदि पालन कर रहे हैं सत्य व्रत आदि का पालन कर रहे हैं लेकिन अंतरंग में कसाय की निर्मलता नहीं है कसाय का समन नहीं है और समन नहीं है क्षयोपम नहीं है क्षय नहीं है तो वो अंतरंग चारित्र नहीं कहलाता है अंतरंग चारित्र पूर्वक ही बहिरंग चारित्र जो होता है वो शुद्ध होता है तो मोक्ष मार्ग में अंतरंग चारित वाले का ही कल्याण होता है बहिरंग चारित धारण करने वाला ग्रहवक तक लिंगी जो है पहुंच सकता है लेकिन वो सर्वार सिद्धि को नहीं पहुंच सकता वो सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका अंतरंग चारित्र भावलिंग ना हो तो भावलिंग पूर्वक लिंग जो है सार्थक है मात्र सा लिंग जो है और भावलिंग न हो तो वह जो है संसार के सुख का कारण हो सकता है लेकिन मोक्ष सुख के कारण नहीं हो सकता नवोस्तु अजय श्री रविंद्र जैन कोलकाता से अपनी शंका रख रहे हैं कि क्या तीर्थंकर भगवान को आहार देने वाले उसी भाव में मोक्ष जाते हैं तीर्थंकर का आहार नहीं होता है तीर्थंकर जब मुनिराज अवस्था में होते हैं अर्थात जब उनको केवल ज्ञान नहीं होता है छदमस्त अवस्था में उनका आहार होता है वो मुनि अवस्था में आहार को निकलते हैं और जो उनको आहार देता है वो उसी भाव से मोक्ष जाए ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन नियम से मोक्ष जाएगा ये जरूरी है जिसने भी तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान दिया है वो नियम से मोक्षगामी जीव कहलाता है लेकिन उसी भाव से जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जा भी सकता है और नहीं भी जा सकते हैं अब चंदन वाला ने तीर्थंकर मुनिराज महावीर स्वामी को आहार दिया तो क्या वो उस भाव से मोक्ष गए नहीं जा सकती वह अपनी पर्याय चेंज करेगी मनुष्य पर्याय में आएगी तब जाकर के उसका मोक्ष हो सकता है तो इस प्रकार से उसी भाव में जाए जरूरी नहीं है लेकिन नियम से मोक्ष जाएंगे ये निश्चित है सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र आगमधारा संका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी राशि एक दिन के लिए इक्कीस सौ रुपये और एक महीने के लिए ग्यारह हजार रुपये की राशि रखी गई है आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा जय जिनेन्द्र